हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम पीजीटी फाइन आर्ट्स फीमेल का मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, पांच अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, किस कॉलेज में विज्ञान विषय के सबसे कम संख्या में विद्यार्थी हैं। मतलब ऐसा कौन सा विषय है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम संख्या में स्टूडेंट्स हैं। हमें ऑप्शन में दिया हुआ डी ई सी बी, तो हमें बाकी को करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डी ई सी बी को देख लेना। देखो, डी में कितना, 23,000 का 24%। 23,000 का 24% क्या होगा, 230 × 24। ई में कितना है, ई में देखो 32,400 का 41%, यानी 324 का 41 गुना। 100 तो कट जाएगा ना परसेंटेज जब निकालेंगे। उसके बाद सी, सी में देखो 55%, 353, 353 × 55 हो गया ये। लास्ट की दो जीरो कट जाएंगे 100 से। उसके बाद बी आता है, देखो बी में देखो 250 × 40। अब क्या हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं। देखो 300 × 40 क्या हो गया, ये 12,000 के आसपास आएगा। 300 × 50 क्या हुआ, ये 15,000 के आसपास आएगा। 200 × 2, 2 × 4, 4,000 के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, 25 × 4, 25 चौका 100 होता है, यानी 10,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो कौन सी सबसे छोटी है, देखो सबसे कम संख्या पूछा ना, 4,000 सबसे छोटी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अप्रोक्सीमेशन लगा के हो जाता। दूसरा क्वेश्चन, रोली और नीलम की आयु का अंतर 4 है। देखो, अगर आज 4 साल का अंतर है तो आगे भी 4 साल का अंतर ही रहेगा। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, रेशियो दे रखा है उनकी एज का, कब, 8 साल बाद, 6-7। देखो, जब अब 4 साल का अंतर है तो आगे भी 4 साल का अंतर रहेगा, और वैसे कितना अंतर है, 1 यूनिट का, यानी 1 की वैल्यू क्या होगी, 4। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी तो 6 यूनिट की 6 चौक 24, 7 यूनिट की 7 चौक 28, यानी 8 साल बाद इसकी एज तो 28 है, इसकी एज 24 है। बोल रहा है वर्तमान समय में रोली और नीलम की आयु का योग, उनकी एज का सम पूछा है अब, यानी रिसेंट में, तो ये तो 8 साल बाद है, 8 साल पहले क्या होगी इसकी, 8 घटा देंगे 16, और इसकी कितनी होगी, 20। इन दोनों का सम कितना हुआ, 36। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो सोल्व करना है, यही से काट लेंगे, 19 × 7, 25 × 6, यानी x बराबर क्या आ गया, ये 42 इधर आ गया, 24 × 42, 24 × 48, यानी यूनिट पे 8 आएगा, यूनिट पे 8, बस एक ही ऑप्शन में, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, 145 रुपये पर केजी की चीज थी, उस पर 18% का प्रॉफिट लिया, और चाय को बेचकर पता है टोटल कितने, 1566 रुपये आए। बोल रहे कितनी चाय बेची थी, देखो 145 पे 18% का प्रॉफिट मिला है, यानी 18/100, इतना टोटल प्रॉफिट बना होगा कितने पे, अगर 1 केजी बेची, टोटल प्रॉफिट कितना था, 1566। अगर 1566 को इससे भाग कर दें तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कितनी बेची, कर देंगे 145 × 18, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 6 = 15, 9 × 7 = 63, 3 × 9 = 36। इसके बाद फिर काट लेंगे, 29 × 6 = 174, 29 × 5 = 145, 5 × 2 = 10, 10 × 10 = 11, यानी 6 × 2 = 60 बचा, यानी 60 केजी हमने चाय पत्ती बेची थी तब जाके इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज 16 है, तो उनका सम कितना हुआ, 16 × 5 = 80, 16 × 3 = 48 और 8 = 56। 21 का 14 है, 21 का 14 हुआ, सम क्या हो गया, 14 × 14, 14 × 28 और 1 = 29। बाकियों का सम क्या रहा, 10 में से 4 गए 6, 15 में से 6, 4 में से 2 गए 2, बाकियों का सम 266 है, कितने थे, 14 थे, तो 266 को 14 से भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा एवरेज, 14 × 14, 14 × 126। ठीक है, 19 साल आंसर आ गया। एक और तरीका है डेविएशन वाला, ठीक है, बाकी अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो इससे कर सकते हैं, आसान रहता है। ठीक है, डेविएशन वाला भी मत समझो, बाद में समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट, ये देखो 16 किलोमीटर है आदमी की, और धारा की 12 किलोमीटर, यानी पानी की चाल 12 है,
धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करता है और वापस आ जाता है, मतलब धारा के विपरीत जाता है और वापस आता है। टोटल टाइम इसमें 90 मिनट लगते हैं। देखो अगर जो डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशो होगा और उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशो हो जाएगा। देखो स्पीड कितनी है, डीएसएस कितनी है, जब दिशा में जाता है पानी की तो 16/28 किलोमीटर, और जब अपोजिट जाता है यूएसएस बोलते हैं उसे, कितनी होगी, 16-12 4 किलोमीटर। यानी स्पीड का रेशो कितना है, 7:1, ये हो गया। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, 1:7 हो गया। वैसे टाइम कितना लग रहा है, टोटल 90 मिनट, वैसे कितना लग रहा है यूनिट में, 7:1 8 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 90/8। क्या पूछ रहा है, टोटल दूरी। देखो हमें स्पीड पता है, ये भी पता है, ये वाली पता है, कोई सी एक स्पीड और टाइम को लेके डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। इस वाले से करके देखते हैं, इसकी स्पीड 28, टाइम क्या है इसका 1 यूनिट, यानी 90/8, लेकिन मिनट में, मिनट से घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये कट गया, ये इसे 3 × 6 3 × 9, ये 4 × 8 4 × 7 28, यानी 21/4 किलोमीटर डिस्टेंस आया। 21/4 को क्या कहते हैं, 5.25 किलोमीटर। आ गया समझ में, स्पीड का रेशो निकाला, स्पीड के रेशो का उल्टा होता है टाइम का रेशो, अगर डिस्टेंस सेम है। टाइम को कंपेयर कर दिया, टाइम की वैल्यू आ गई, इस वाले से लेके कर लो या फिर इस वाले से लेके कर लो, मैंने इस वाले से लेके करा, इससे भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी पूर्ण घन, सबसे छोटी पूर्ण घन, देखो अगर पूर्ण घन निकालना सबसे छोटी क्या करेंगे, देखो इसमें 3 है 4 है, इसमें 3 है और 5 है, इसमें 3 है 6 है, ठीक है। अब देखो 15 से अगर भाग करना है तो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, उसके लिए तो 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, बची कौन सी, ये दोनों। अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है, हाँ, क्या ये हो रही है, नहीं हो रही, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करके देख लेंगे, ऑप्शन को भी उठा के देखेंगे, कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 240 का 12.5%, 12.5% को कहते हैं 1/8, तो 240/8 हो गया, प्लस 200% को कहते हैं 200/100, यानी 2, तो 27 × 2 = 12x, क्वेश्चन मार्क है ना, 12x हो गया, 27 × 54 प्लस ये 8 + 24 = 30, 84 हो गया, 84 को 12 से भाग करेंगे यानी 7 आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ए में जो है दूध और पानी 6:5 में है, बी में 3:1 में है, बोल रहा है टोटल दूध 72 लीटर है, ये मिल्क है, और टोटल पानी 36 लीटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब देखो हमें ये नहीं पता इन दोनों बर्तनों की वॉल्यूम कितनी है, जब तक वॉल्यूम का नहीं पता होगा क्या रेशो है वॉल्यूम का, तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया इसका वैल्यू 6x है, 5x, इसका 3y और y, क्योंकि अलग अलग वॉल्यूम हो सकती हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, टोटल दूध कितना है 72, 6x + 3y / 5x + y = ये टोटल दूध है ऊपर वाला 72, पानी कितना है ये 36, काट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 6x + 3y = 2×10x + 2y, यानी 4x = क्या आ गया वाई, x ratio y क्या आ गया 1:4, यानी इस बर्तन की वॉल्यूम 1 थी और इस बर्तन की वॉल्यूम 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 × 5 = 11, 11 यूनिट है ए में, बी में कितना यूनिट है, 3 × 4, और 4 × 3 इसकी वॉल्यूम, यानी 4 × 16 यूनिट हो गया इसमें, बी में, इसमें 11 यूनिट और बी में 16 यूनिट, टोटल कितना हो गया 27 यूनिट, 27 यूनिट वॉल्यूम हो गई। टोटल वॉल्यूम वैसे कितनी थी 72 और 36, यानी 108 थी, क्योंकि मिल्क और वाटर से मिलकर बना है टोटल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4। क्या पूछा हमसे, मिश्रण ए की मात्रा, मिश्रण ए की मात्रा कितनी थी 11 यूनिट, यानी 11 × 44, यही तरीका मुझे ईजी लगा और आसानी से समझ में भी आ सकता है। एक्स वाई मान लिए और उससे फिर कंपैरिजन कर लिया, कितनी वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो आ गया, फिर हमने कंपेयर कर दिया टोटल वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम हमें दी गई थी, उससे क्या हो गया, हमारा जो आंसर था वो सीधा आ गया।
ठीक है। इसके बाद देखो, पास होने के लिए 240 नंबर चाहिए, एक बच्चे को 192 नंबर मिले और वो 12% से फेल हो गया। देखो 240 चाहिए थे, उससे मिले 192, कितने कम मिले? 8 और 40, 48 कम मिले। फेल कितने परसेंट से हुआ? 12% से, यानी 12% की वैल्यू क्या होगी? 48, 1% की 1248। अधिकतम कितने? अधिकतम होते 100%, 100% की वैल्यू 2 जीरो चिपका दो, 400। ठीक है, आ गया 11वां क्वेश्चन। देखो 11वां क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था, लेकिन इसे भी आसान कर सकते हैं हम। सभी कॉलेजों में कॉमर्स सब्जेक्ट के एवरेज स्टूडेंट कितने थे? देखो कॉमर्स में कितने, 175 का 35%, 0 तो कट ही जाएगी, परसेंटेज हम निकाल लेंगे, 250 का 45, 353 का 30, ठीक है, 230 का 48, 324 का 30, ठीक है, 0 सब में कट जाएगी जब परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो इसे आसान कैसे बना सकते हैं। 35 को लिख सकते हैं 30 प्लस 5, इसे लिख सकते हैं 30 प्लस 15, इसे लिख सकते हैं, ये तो 30 है ही, इसे लिख सकते हैं 30 प्लस 18, और ये भी 30। तो हम 175, 250, 353, 230 और 324, इनका टोटल समाया 1332। तो 1332 का 30% निकाल देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 13 थी 39, और ये 39960 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई, बाकी क्या बची? 175 का 5 कितना हुआ? 175 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा 875, 875, साथ में 250 का 15, 15 पंजे 75, एक जीरो लगेगी लास्ट में, 15 पंजे 75, 15 दून 30 37, और साथ में इसका 18%, 18 जीरो जीरो, 18 54, 18 जून 36 5, 41 41 40, इन टोटल को जोड़ के बना हमारा 48725। एवरेज कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 5, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, यानी 5 निम 45, 3 बचा, 5 सत्ते 35, यानी 97 आएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 2, 5 चौक 20, 9 7 4 5, ठीक है, 974 तक ही निकाल लिया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन टफ थी, लेकिन हो सकती थी, आसान बना सकते थे हम इसे ऐसे करके। ठीक है, पूरे का 30 निकाल कर बाकी का 5, 15 और 18 निकाल दिया। देखो कि नारियल का पेड़ 3 साल पहले लगाया था और 10% की दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से अगर कोई चीज़ बढ़ती है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिस्टम है इसमें। अब पेड़ की ऊंचाई 958.32 है, जब पेड़ लगाया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? अब इसकी 958.32, 10% बढ़ा है, नहीं, 1 साल में 1/10 इंक्रीज हुआ, तो 11/10। अगर 3 साल बाद यह है तो 3 साल पहले क्या था? 3 साल बाद यह है तो 3 साल पहले क्या था? उल्टा करके मल्टीप्लाई, 10/11 × 10/11 × 10/11, ठीक है, काट लेंगे, 11 8 88, 11 7 77, 1 बचा, 11 × 11, 11 2 22, फिर से काट लेंगे, 11 7 77, 10, 11 9 99, ठीक है, 11 7 77, 11 9 99 और 11 2 22, फिर से काट लेंगे, 0.11 7 77, 11 2 22, ये 0.72 आ गया, यानी 720 सेंटीमीटर, 1000 है ना ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 720 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 36 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ब्रिज को 55 सेकंड में पार करती है। देखो 55 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 36 गुना, हमें टाइम सेकंड में दिया तो इसे भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम कितना है 55, 18 दून 36, 5 दून 10, यानी 550 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसमें ब्रिज का और ट्रेन का, ये ब्रिज है और ये ट्रेन है, दोनों का डिस्टेंस होता है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200, अगर 200 घटा दें इसमें से, 200 घटा दें तो हमें ब्रिज की लंबाई आ जाएगी 550 - 200, यानी 350। ठीक है, देखो SCF बताना, अब इसमें SCF जब निकालते हैं हम तो FX बराबर 0 रख देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे X बराबर 3 आएगा इसमें, ठीक है, इसमें X बराबर 1 आएगा, इसमें X बराबर -1,
इसमें x बराबर माइनस थ्री। और ये जो दो इक्वेशन दे रखी है हमें, जो व्यंजक दे रखे हैं, एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये जीरो के बराबर हो जाएंगे, एफ एक्स बराबर जीरो हो जाएगा अगर इनमें से कोई संख्या इन्हें सेटिस्फाई करेगी। और इनमें से अगर कोई संख्या सेटिस्फाई करेगी तो वो उसका एस सी एफ हो जाएगा। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री में एक्स बराबर तीन पुट करेंगे, तीन तीन नौ, तीन दूनी छः, नौ प्लस छः माइनस तीन यानी बारह आ गया। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी एस सी एफ होगा। एक्स बराबर वन पुट करेंगे, वन वन प्लस टू वन जट टू, दो एक तीन माइनस तीन जीरो, ये तो जीरो हो गया। इसमें देखेंगे वन माइनस बारह, ये जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। अब एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर वन, प्लस का वन हो गया, माइनस टू माइनस थ्री, ये जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। इसमें देखते हैं तीन तिया नौ, प्लस का नौ हो गया, माइनस दो तिया छः माइनस तीन जीरो हो गया। इसमें देखो तीन तिया नौ, माइनस 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 प्लस यानी प्लस का तीन, माइनस बारह, नौ तीन बारह माइनस बारह जीरो, यानी यही इसका एस सी एफ है। ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लेंगे सीधा और निकाल लेंगे। ठीक है, देखो रेलवे स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन, ब्लू वाली पैसेंजर है और रेड वाली एक्सप्रेस है। क्या बोल रहा है? एक दो तीन से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर कौन सी है? ब्लू। पहले पे कितनी है? 60 और 60 से थोड़ी ऊपर, हम इसे 62 ले लेते हैं। दूसरे पे कितनी है ब्लू वाली? ये है 50 से थोड़ी ऊपर यानी 55 के आसपास है। तीसरे में कितनी है पैसेंजर? तीसरे में कितनी है पैसेंजर? ये है 50 से थोड़ी कम, 48 के आसपास ले लेते हैं इसे। ठीक है, 8 दो 10 5 15, 5 हो गए, 5 4 9 6 15 16। औसत निकालना है, 3 से डिवाइड, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 55 के आसपास आ रहा है आंसर, यानी ये आंसर है। ठीक है, 5 साल में 520 हो जाती है कोई वैल्यू साधारण ब्याज पे, और 7 साल में 568, यानी 2 साल में कितना ब्याज मिला घटा देंगे 48, यानी 1 साल में 24। तो 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 24 इंटू 5, 120 रुपये ब्याज मिला। जब 120 रुपये ब्याज मिला, इसका मतलब धन कितना था? 120 घटा देंगे यानी 400 रुपये हमारा मूलधन था, यानी प्रिंसिपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज वो होता है जिसके दो डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं और उसकी हर साइड बराबर होती है। ठीक है, इसका एरिया होता है हाफ डी वन डी टू, डी वन डी टू इसके डायगोनल क्या दे रखा है 184, तो डी वन डी टू क्या आ गया 184 इंटू टू, दो चौक आठ, दो अठे सोलह, दो एकम दो एक तीन। और इनका अंतर क्या दे रखा है? डी वन माइनस डी टू क्या दिया हुआ है? 7। देखो क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे 368 के, 2 18 2 2 2 दूनी 4 2 46 और 2 23, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 23 बोलते हैं इसे। इन दोनों का अंतर क्या है? 7। इसका मतलब इसके विकर्ण यही हो गए 16 और 23। क्या पूछा है? विकर्ण का संबंधित अनुपात, अनुपात क्या होगा? 16 अनुपात 23 या फिर 23 अनुपात 16। मल्टीप्लाई दे रखी थी ना और डिफरेंस दे रखा था, तो हमने फैक्टर कर लिए इसके, देख लिया कौन से फैक्टर्स का डिफरेंस 7 है, तो 16 और 23 का डिफरेंस 7 है, इसलिए हमारी वैल्यू आ गई 16 और 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी 30 में कर सकते थे, काम शुरू किया, 20 दिन बाद उन्होंने महसूस किया केवल 50% काम हुआ। देखो 15 ने 20 दिन काम करा, कितना कर लिया 50%। अब कह रहे कितने आदमी काम पर लगाएं काम समय पर पूरा हो जाए, हमें नहीं पता कितने लगाने, x इंटू काम कितने दिन में पूरा करना था 30 में, 20 का हो गया यानी 10 और करना है, बाकी कितना बचा 50%, इन्हें 50% करना है। m1 d1 अपॉन m2 d2 बराबर w1 अपॉन w2, ये कट गया 1 आ गया, तो x इधर चला गया, 15 इंटू 20 यानी 300 बटे 10 यानी टोटल 30 आदमियों ने करा ये काम, बाकी 50%, 30 आदमियों ने करा है ना, पहले कितने आदमी थे 15 आदमी लगे हुए थे, यानी एक्स्ट्रा कितने आए 15 आदमी एक्स्ट्रा। ठीक है, प्रिज्म का आयतन दे रखा है, देखो प्रिज्म का आयतन क्या होता है,
वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब क्या निकालना है, आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस, तो वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम कितनी है 288, हाइट कितनी है 24, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, सिंपल ठीक है। अब देखो सबसे छोटी भिन्न, इसमें देखो 212 तिया, दो तिया 6 यानी 2. कुछ आएगा 2.8 के आसपास, नीचे 1/2.8, ये क्या आएगा 28 थी 84, 1/3 कुछ आएगा, ये कितना आएगा 2 × 4, 1/2 कुछ, ये 1/1 कुछ आएगा। बड़ी भिन्न वो होती है जिसके नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर में हो वो छोटी हो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी संख्या, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी संख्या, ठीक है। तो डिनोमिनेटर बड़ा किसका है, हर बड़ा किसका है, ये 3. है तो इसलिए ये सबसे छोटी संख्या, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 2/5 और 2/6, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है इसलिए ये छोटी, इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए ये बड़ी संख्या, ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया है और काफ़ी सारे पेपर्स के मैथ सेक्शन सॉल्व कर चुके हैं और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। PRT की सीरीज भी चलती रहेगी साथ साथ में, और ऐसे ही आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए जिससे आपको जो भी वीडियो आए टाइमली दिख सके, और आप ऐसे तैयारी करती रहिए और जो भी पेपर आता आप देते रहिए और अपनी तैयारी पर भरोसा करिए, जितना पढ़ रहे हैं सफिशियंट है, और अच्छे से पढ़िए कॉन्सेप्ट को समझ के, रट्टा मत मारिए। और पेपर में क्या है ना, कई बार होता है आप फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, कई बार क्या होता है ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।